अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं, जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। कोई भी कुछ बोल देगा तो क्या आप उसके ऊपर अपनी पूरी जायदाद लुटा देंगे? पर बहू, जेवर के पैसे तो उन्होंने ही दिए थे ना हमें। हाँ ठीक है, पैसे उन लोगों ने दिए थे, लेकिन जेवर तो हम लोगों ने बनवाए है ना। मालती, हमको खीर वीर नहीं खाना, रहने दीजिए। काहे नहीं खाना, तुमने रात को भी नहीं खाया था ना। रुको, मैं ना अपने साथी के हिस्से से तुम्हें खिलाती हूँ, ठीक है? तेरी ये मजाक। एक प्लान है जो कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि भैया को भी नहीं, पर लगता है कि वो वक्त आ गया है कि जब मुझे ये बात घर में सबको बता देना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, कोचिंग सेंटर खोलना चाहता है और मुझे उसमें पार्टनर बनाना चाहता है। हाँ तो बन जाइए ना, इसमें सोचने की क्या बात है। अरे लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपए पूंजी लगाना पड़ेगा। अरे तो भैया से मांगिए ना, जब वो अपने लिए कंपनी खोल सकते हैं तो हमें देने में क्या बुराई है। हाँ, क्यों नहीं दे सकते, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उनकी एक साइट भी है जो खाली पड़ी रहती है, मैं सोचता हूँ कि उसी को साफ सफाई करवा लें, डेंट पेंट करवा दें और बस वहीं पर क्लासेस शुरू हो जाए। पर सुनिए, भैया जी से 2.5 लाख रुपए मांगे। 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख क्यों, खर्चा तो 1.5 का ही है ना। आप भैया जी को जानते नहीं, कितने बड़े व्यापारी हैं, 2.5 लाख मांगेंगे तब 1.5 लाख देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जितना मांगूंगा उतना ही उनको देना होगा। अब रात बहुत हो गई है, बाकी बातें कल करेंगे, सोइए। मैं ना साथी से कहकर तुम्हारे लिए ना नए नए कपड़े भी लेकर आऊंगी, फिर तुम, मैं और मीनू हम सब साथ साथ खेलेंगे, ठीक है? अरे अरे साथी, बैठो ना बैठो ना। अरे लेकिन तुमने तो बोला था कि यहाँ नहीं सो सकता मैं। अरे तुम तो मेरे पति हो, ये कमरे में तुम सो सकते हो। चलो अच्छा है, देर सवेर तुम्हें ये बात समझ में आई गई। अच्छा साथी, मुझे ना लूडो खेलना है, मेरे साथ थोड़ी देर खेलोगे? हाँ खेलोगे, रुको मैं लेकर आती हूँ, चलो चलो खेलते हैं। हाँ तुलसी, लूडो खेलने का मन नहीं है। लूडो नहीं? हाँ ठीक है, चिड़िया उड़ खेलते हैं। मैं शुरू करती हूँ, कहाँ उड़, मैं ना उड़, इंडक उड़। अच्छा अब है ना, तुम अपने दोनों हाथ ऐसे आगे करो, मैं मारूंगी और तुमको बचाना है, ठीक है? चलो हाँ शुरू करते। हार गए, मैं जीत गई, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, चिड़िया उड़, मैना उड़, गाय उड़, चलो अब तुम्हारी बारी, करो ऐसा। लो मारो। अरे तुमने तो मारा ही नहीं। अरे इतनी प्यारी बीबी को मारा थोड़ी ना जाता है, प्यार किया जाता है। अच्छा छोड़ो, फिर से खेलते हैं, मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? चलो ना। नहीं तुलसी, अब मैं थक गया हूँ, अब हम सोते हैं, ठीक है? ठीक है। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ सोऊं मैं? ठीक है सो जाओ, मैं ना ऐसे यहाँ सो जाती हूँ, ठीक है? अरे ऐसे क्यों सो रही हो, यहाँ रख के सर रख के सोना। अरे ठीक तो है, तुम उधर मो मैं इधर मो, ठीक है?
अरे अजीत, वो देखो ड्राइवर आ गया कि नहीं। भैया वो तो कब का आ गया है, बाहर ही खड़ा है। माँ, कुल देवता के मंदिर कौन कौन जा रहा है? छोटी बहू को छोड़ के सब लोग जा रहे हैं। काहे, वो काहे नहीं जा रही है? हमारे यहाँ का रिवाज है बेटा कि नई बहुएं 6 महीने तक शादी के बाद कुल देवता के पूजा में शामिल नहीं होती। भैया आपसे कुछ बात करना था। हाँ बोलो। भैया वो क्या है ना, आजकल कोचिंग का बहुत क्रेज है और बहुत कमाई भी है उसमें, तो मैं और मेरा एक दोस्त मिलकर एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। किताब का दुकान ठीक नहीं चल रहा है का? जी दुकान तो ठीक चल रही है लेकिन बहुत मजा नहीं है उसमें। तो मैं सोच रहा था कि आपकी जो एक साइट खाली पड़ी है ना, उसको ठीक ठाक करा के उसी में क्लास शुरू कर देते। कोई साइट वाइट खाली नहीं पड़ी, उस पर काम शुरू होने वाला है। कोई बात नहीं भैया, फिर मैं शहर में ही कोई अच्छी सी जगह देख लूंगा। और इन सब में भैया तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्च आने वाला है, उसमें से आधा यानी कि 1.5 लाख रुपए मुझे अरेंज करना पड़ेगा। देखो अजीत, हर पहलू पर विचार कर लेना, सोच लेना, तभी हमसे बात कर लो। जी ये कौन बात हुई? एक भाई को तो अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहे, हम ही सब पराए हैं इस घर में। अरे नहीं बहू, अजीत की बात हाकिम समझ नहीं पाया, और तुमको भी खुलकर समझाना चाहिए था। मैंने कहा तो माँ, अब और कैसे कहा जाता है। अच्छा ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं समझाऊंगी हाकिम को। चलो बहू, पूजा में देर हो रही, चलो तैयारी कर रही है। भैया भाभी प्रणाम। प्रणाम। अरे दीदी आपने पूजा कर ली का? पूजा कैसी पूजा? अब लो कर लो बात। अरे दीदी आज कुल देवता का पूजा है। अरे हाँ, हमारे तो ध्यान से ही निकल गया था, हम भी ना। वो कहा है ना दीदी कि हमारे कुल देवता तो एक ही हैं और उनकी मूर्ति आपके यहाँ ही है। कुल देवता की मूर्ति दिखाई नहीं दे रही भाभी। वो क्या है ना भाई साहब, शादी के कारण अंदर रख दिया था, बहुत भीड़ भाड़ थी, चोरी वोरी हो जाती तो। एक मिनट। हाँ ये लीजिए मूर्ति। शोभा इन्हें मंदिर में रख दो और धूप अगरबत्ती कर देना। देख रहे हैं जी कितनी सुंदर मूर्ति है ना, असली सोने का है, और आजकल के जमाने में ऐसी मूर्ति मिलती कहाँ है। अरे भाई वो जमाना सस्ते का था, आजकल ऐसी मूर्ति कोई बना सकता है? आजकल ऐसी मूर्ति बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए धूप अगरबत्ती कर ले। भाई सब आप पूजा नहीं करेंगे? अरे मैं भी नहाया नहीं हूं, बाद में कर लूंगा। नमस्ते नमस्ते। अरे भैया जी की पुलिस वाले से बात हुई थी, उन्होंने कहा आपने सोने के प्योरिटी का सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है। प्योरिटी सर्टिफिकेट? हमारे पास तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कहाँ से मिलता है ये सर्टिफिकेट? आप भी बड़े भोले हैं चाचा जी। अरे जहाँ से सोना खरीदा है वहीं से सर्टिफिकेट मिलेगा, का उन्होंने आपको दिया नहीं का? पर उसने तो ऐसा सर्टिफिकेट कोई नहीं दिया हमें। अरे चाचा जी नहीं दिया तो अब जाके ले लीजिए। पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सर्टिफिकेट देगा। अब इसमें बताइए हम क्या कर सकते हैं चाचा जी। पुलिस वाला भी बिना सबूत के तो कुछ करेगा नहीं, समझिए जेवर के पैसे डूब ही गए। अच्छा चाचा जी हमको कोई काम आ गया है, रखते हैं बाद में बात करेंगे।
बिस्किट खा। हाँ? अरे दुल्हन ये क्या कर रही हैं? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कौन देखेगा, सबके सब तो पूजा में लगे। चलो ना तुम दोनों हमारे कमरे में, हम सब ना बातें करेंगे। चलो चलो। नहीं नहीं दुल्हन, अभी चंदा के बापू ने खाना नहीं खाया है तो हमको घर जाके खाना भी बनाना है। घर पे जाके बनाने की क्या जरूरत है, तुम यहीं से कुछ लेके जाओ। हाँ? नहीं नहीं दुल्हन, अगर किसी ने देख लिया तो कल की तरह हंगामा हो जाएगा। अरे कौन देखेगा, हमने ना बड़े भैया से पूछा था, उन्होंने कहा कपड़े और खाने देने में ना कोई बुरी बात नहीं। रुको मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं दुल्हन, दुल्हन जिस पेड़ के नीचे हस्ती है शाखों में फूल निकल आए, वो पांव जमीन पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाए, उसकी ही मुस्कान को फूलों ने चुना है। तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। ये क्या कर रही हो तुम? वो मालकिन, हमने कहा था छोटे बहू से थोड़ा अनाज चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुमसे नहीं दुल्हन से बात कर रही। दीदी इसके घर पे ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसका पति भी बीमार है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें कहा था ना कि बिना मुझे पूछे तुम्हें किसी को कुछ नहीं देना है। दीदी कल तो बड़े भैया ने कहा था ना कि कपड़े और खाने देने में कोई बुरी बात भी होती है। बोला था वो ठीक है बहू, लेकिन ये तुम्हारी जेठानी है, इनका कहना माना करो। सुमते यहाँ मुफ्त में काम नहीं कर रही है, महीने के आखिर में उसे पैसे मिलने वाले। सुमतिया अभी छुटकी बहू नई नई है, कुछ भी मांगना हो तो बड़ी बहू से मांगा करो। जी अम्मा जी, वो मैंने इसको दिया था क्योंकि इसके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो अभी सारा अनाज वापस करो। जी ये लीजिए। अरे नहीं बहू रहने दो। दिया हुआ सामान वापस नहीं लेते। आगे से ख्याल रखना सुमतिया, तुम्हारी मजबूरी देख के यहाँ रखे हैं ना तुमको। चंदा चल। देख लिया अम्मा जी, आपकी छोटी बहू के कारनामे, अब तो लगता है कि घर में ताला लगा के रखना पड़ेगा। बहू आगे से ख्याल रखना। इनको तो खुद समझ में आना चाहिए अम्मा जी, ऐसे कुछ भी किसी को भी उठा के नहीं देना चाहिए। अब जाने दो बहू। अरे आप यहां खड़े हैं, वो लोग तो पूजा करके तब भी चले गए। हमने और बहू ने भी पूजा कर ली, और ये क्या आप अभी तक नहाए नहीं, पूजा नहीं करनी क्या? मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ लाल जी बोलो। चाचा जी भैया जी ने कहा था फोन करने के लिए, कहा कि भैया जी ने पूरा कोशिश किया लेकिन पुलिस भी बिना सर्टिफिकेट के कुछ नहीं कर पा रही है। जानता हूँ लाल जी, हाकिम ने हमारे लिए जो भी किया है वो बहुत किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। अरे कोई बात नहीं है चाचा जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, भैया जी ने कहा है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता तो चाचा जी से कहना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम समझेंगे। पैसा डूब गया। नहीं लाल जी,
हाकिम जी से कहिएगा कि उन्होंने हमारे लिए जितना किया है वो बहुत किया है। अरे उनके पैसे सही सलामत पहुंच जाएंगे। क्या हुआ जी? अरे वो लाल जी का फोन था, कह रहा था कि हाकिम जी कह रहे हैं कि वो समझेंगे उनका पैसा डूब गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुलसी की मां, पैसा तो लौटाना ही पड़ेगा। तो क्या पुलिस अब कुछ नहीं करेगी? अरे नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ है और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी रकम हम कैसे चुकाएंगे जी? पता नहीं, अब चुकाना तो पड़ेगा। तुमने चाय में चीनी कम डाली, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अभी लेके आते हैं। नहीं, रहने दो। जानते हैं जी, जब से हम भाई साहब के घर से आए हैं तब से बस यही सोच रहे हैं कि तुलसी की शादी भी अच्छे से हो गई और भाई साहब और दीदी कितने खुश दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी उनके पास कभी कोई समस्या रही ही नहीं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। का मतलब? मैं भैया और भाभी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो जरूर किसी बात को लेकर परेशान है, वरना कुल देवता की पूजा करना भूल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, काहे कि हमेशा उन लोग पूजा हमसे पहले कर लेते थे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उनके दिमाग से उतर गया हो। नहीं, उन्हें जरूर कोई समस्या है, तो मानो या ना मानो मैं भैया और भाभी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हो सकता है बेटे और बहू में कुछ हुआ होगा? नहीं, बेटे और बहू से कुछ नहीं हुआ, वरना कंचन की बातों से पता चल जाता। कंचन की बातों से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। हाँ, जरूर तुलसी के ससुराल में कोई बात हुई होगी। अरे लेकिन पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? आग लगी है तो धुआं तो जरूर उठेगा, आज नहीं तो कल बात पता चली जाएगी। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर अजीत जी को फोन लगाऊं तो बात पता चल सकती है। अरे नाना, अजीत जी को फोन करने का कोई जरूरत नहीं। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? अजीत जी ने फोन कर दिया था भाई साहब को, कितना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर बात पता चल जरूर जाएगी। लाल जी। भैया जी, केदार चाचा से बात हो गई है। क्या कहे? भैया जी, आप जो चाहे और कोई ना करे, ऐसा कभी हुआ है का? जो आप चाहे वैसा ही हुआ है। केदार चाचा तो पूरी तरह आपके गिरफ्त में है, जिस एहसान तले वो अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, दरअसल वो एहसान नाम का कोई वजन है ही नहीं। लाल जी, एक बात याद रखना, विनय ने ऑफिस आना शुरू कर दिया है, उसके कान में जरा सी भनक नहीं पहुंचनी चाहिए कि हम क्या काम करते हैं। इन बातों को तो मैं अपने कान तक नहीं पहुंचने देता, तो फिर दूसरे के कान तक कैसे पहुंचने दूंगा? पर भैया जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? एक तरफ तो आप विनय के ससुर से पैसे ऐंट रहे हैं और दूसरी तरफ विनय पे इतनी मेहरबानी कर रहे हैं, ये बात कुछ हजम नहीं हुई भैया जी। लाल जी, आदमी को खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो सके, ज्यादा खाने से ना कभी कभी हजमा बिगड़ जाता है। भैया जी, मैं तो बस ऐसे ही। जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। तीन फाइलें दी थी तुमको, कहा हुआ उसका? भैया जी, एक आदमी बाहर खड़ा है, उसको जमीन पर पैसे चाहिए, बुला के लाऊं क्या?
देर किस बात की, बुला उसको अंदर। जी भैया जी। देख रहे हैं जी कितनी सुंदर मूर्ति है ना, असली सोने का है। आजकल के जमाने में ऐसी मूर्ति मिलती कहाँ है? अरे भाई वो जमाना सस्ते का था, आजकल ऐसी मूर्ति कोई बना सकता है? कहीं जा रहे हो क्या बेटा? क्या हुआ बोलो? कुछ बात करनी थी, बैठो ना। हाँ बोलो। ये अजीत कोई नया काम शुरू करना चाहता है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए इसको। कौन सा काम? मां बताओ। भैया एक कोचिंग सेंटर खोलना है। देखो अजीत, कोई भी सेंटर खोलना हो पहले तुम हमको ये बताओ कि तुम रुपया कैसे लौटाओगे। भैया कोचिंग सेंटर में पैसे डूबेंगे नहीं। ये बात तो तुमने तब भी कही थी जब तुमने 2 लाख रुपए लिए थे और कहा था कि तुमको वीडियो की परीक्षा देना है, तुम वीडियो बन जाओ। पर क्या हुआ, पैसा सब डूब गया माँ। पर भैया उसमें मेरे साथ कई लोगों के पैसे डूबे थे और फिर उसमें मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ बेटा, जब अजीत कह रहा है कि इस काम में मुनाफा होगा तो पैसे दे दो इसको। और अब तो समझदार भी हो गया है, देख रहे हो ना कितने अच्छे से दुकान चला रहा है। देखो मां पैसे देने की मनाही नहीं है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पैसे कहां लग रहे हैं और पैसे वापस कैसे होंगे।